सो हेलो पोकेमॉन फैंस, आप सभी का स्वागत है अनदर एपिसोड के अंदर। और मुझे लगता है कि हम लोग ऑलमोस्ट अभी लास्ट से फोर्थ एपिसोड तक पहुंच चुके हैं। मतलब अभी और 3-4 एपिसोड, उसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी। हम लोग अभी कैप्चर करने वाले हैं सारी यूनुआ लीग के पोकेमॉन्स को, लेकिन यूनुआ लीग के पोकेमॉन्स को कैप्चर करने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे कि इस ट्रेनर के साथ बैटल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आया है बंदा यूनुआ से जिसका नाम है ब्लेयर। और इसके साथ बैटल करने के बाद यूनुआ का जो भी पोकेमॉन्स रहेंगे, जो भी लेजेंडरी पोकेमॉन रहेंगे, वो अनलॉक हो जाएंगे। और जिस हिसाब से अभी बेचारे ने सुपीरियर निकाला है, या फिर बोले उसे सुपीरियर, तो मुझे लगता है कि इसके पास सारे के सारे स्टार्टर रहेंगे। एक काइंड ऑफ अजम्पशन लगा के चलते हैं। तो अभी कैसे है कि जिन्होंने भी अभी तक पूरा का पूरा गेम प्ले सीरीज प्लेलिस्ट देखा नहीं है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पोकेमॉन लेजेंड्री का कंप्लीट वॉक थ्रू। कंप्लीट नहीं हो सकते अभी तक, तो जब सारे एपिसोड हो जाएंगे तब फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो तो हो ही जाएंगे। तो नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चेकआउट करो। पसंद आता है तो लाइक बटन प्रेस कर देना, और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं सेमेरॉट के ऊपर, और मुझे लगा कि ड्रैगनाइट के पास एक्सपीरियंस शेयर चाहिए था, क्योंकि ड्रैगनाइट के लेवल मुझे इतने ज़्यादा इंक्रीज़ करने हैं पोकेमॉन चैम्पियनशिप के मेन बैटल तक, और जो ज़्यादा मुझे लगता है कि हेल्पफुल भी हो सकते हैं। एंडिंग में जाके कुछ मूव डिलीट करने वाला हूँ मैं, और जो रहेंगे मोस्ट ऑफ HM मूव्स, क्योंकि उन HM मूव्स के वजह से मेरा जो मूव स्लॉट है वो पूरा का पूरा हाउसफुल की जैसा खचाखच भरा पड़ा है। तो अभी कैसे है कि मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है कि पोकेमॉन्स के लेवल एटलीस्ट मैं 80 तक लेके जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे पोकेमॉन 100 तक होने वाले हैं। और यहाँ पे आ चुका है एम्बोर, और एम्बोर को हम लोग हराएंगे सर्फ के मदद से। इसी के साथ हम लोग ने ब्लेयर को हरा दिया है। ज़्यादा कट नहीं की इस बंदे ने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूनुआ के स्टार्टर्स के साथ बैटल किया हुआ था, तो हर एक का वीकनेस तो ज़रूर आपको पता ही रहेगा, मुझे पता है, आपको भी पता ही रहेगा, मुझे पता है, इतना तो बहुत जनों को बहुत कुछ पता है। तो अभी हम लोग रिवाइव करेंगे इन पोकेमॉन्स को, और इसी के साथ यूनुआ के सारे पोकेमॉन्स अनलॉक हो चुके हैं। सारे पोकेमॉन्स नहीं बोल सकते, लेजेंडरी पोकेमॉन्स, सारे पोकेमॉन्स ऑलरेडी अनलॉक थे। अभी लोकेशन टू लोकेशन वाइज इनका हम लोग इनको मास्टर बॉल के अंदर भरेंगे, और उनको हम लोग पोकेमॉन सेंटर में छोड़ के आएंगे, क्योंकि कैसे है ना, अभी उनको तो वैसे भी यूज़ नहीं कर सकते। मैं सोच रहा था कि लेजेंडरी यूज़ कर लेते पोकेमॉन चैंपियनशिप के अंदर, लेकिन बाद में सोचा कि वहाँ पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसके वजह से मैंने सोचा कि जाने दो। यहाँ पे एक पोकेमॉन है जिसके साथ आप खाली बात करके उसको कैप्चर कर सकते हो, मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बता के रखा था। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग ने सीनो पोकेमॉन्स को पकड़ा था, हम लोग पहुँच चुके डेस्टिनेशन की तरफ, खाली बात करो और ये बंदा आपके PC में पहुँच जाएगा। विरिजियन एक पोकेमॉन ऐसा है जो बैटल करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता, क्योंकि ये पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय रहता है, उसके वजह से वो सीधा कैप्चर हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ विरिजियन जो रहते हैं वो शाय किस्म के रहते हैं, तो उसके वजह से मोस्ट ऑफ, मतलब यार मुझे लगता है कि 2-3 रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को शैमिन मिलने वाला है। लास्ट एपिसोड में आपको बोला था कि शैमिन कैप्चर करेंगे, तो शैमिन यहाँ पे आ चुका है। शैमिन का फ्लाई फॉर्मेशन है ये, और उसको हम लोग कैप्चर करेंगे। ये वाला नहीं जो स्प्राइट में दिखाई दिया था, ये तो अपना नॉर्मल फॉर्मेशन है। मैं बात कर रहा था विरिजियन के बारे में, तो विरिजियन 2-3 रहेंगे, लेकिन विरिजियन का कॉन्सेप्ट ये है कि वो बंदा बैटल नहीं करता, सीधा आपके पोकेमॉन में आ जाएगा अगर ट्रेनर ट्रस्टेड हो तो। और यहाँ पे ऐसा ट्रस्ट बिश का कोई स्लॉट दिखा नहीं सकते, तो उसके वजह से उन्होंने सीधा आप उससे बात करने के बाद वो अपने PC में आ जाएगा, ऐसे दिखाया दिया है। तो मैं काइंड ऑफ ऐसे बात कर रहा था जैसे मैं कुछ आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो समथिंग, लेकिन वैसे वाली बात नहीं है। थोड़ा पोकेमॉन नॉलेज शेयर भी करना चाहिए, और आपको भी लगता है कि मैं किधर गलत हूँ तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मुझे करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यार मैं कोई पोकेमॉन का भगवान नहीं हूँ। कुछ चीज़ें रॉन्ग हो जाती है, कुछ चीज़ें राइट हो जाती है, और राइट हो जाती है तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा सब्सक्राइब बटन प्रेस करके या फिर लाइक बटन प्रेस करके। तो अभी हम लोग को रीच हो चुके हैं कोसाका सिटी के अंदर, और गेम के ऑलमोस्ट हमारे 4 मिनट के अंदर ही, 4 या 4.5 मिनट के अंदर ही हम लोग ने 2 लेजेंडरीज को कैप्चर कर लिया है। फर्स्ट है विरिजियन और सेकंड है, और ये ग्लिच पोकेमॉन भाई, ये मेरे को मिला था टेरिकॉन। अभी इतना मज़ा आने वाला है, क्योंकि मेरे पास होने वाले हैं अभी 2 टेरिकॉन। एक टेरिकॉन मैंने अल्ट्रा बॉल से पकड़ा था जो काइंड ऑफ ग्लिच था इस गेम का, और सेकंड टेरिकॉन अभी मैंने पकड़ा है लेवल 40 का, लेकिन उस टेरिकॉन को मैंने यूज़ नहीं किया है। तो अभी हम लोग सीधा मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट लेजेंडरी की तरफ। विरिजियन हो गया, शैमिन हो गया, टेरिकॉन हो गया। शैमिन को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं कल के एपिसोड में ही, लेकिन कल का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ था, क्योंकि उसके अंदर हम लोग ने ऑलमोस्ट सीनो कवर कर लिया था, सिंथिया बैन से भी मिले, तो डेफिनेटली चेकआउट करो। उसके साथ फाइट भी हुई है सिंथिया के साथ, ऑसम फाइट थी, क्योंकि यार वो लास्ट मिनट तक वो फाइट चलती रही और मुझे लगा कि मैं हार ना जाऊँ, तो ज़रूर चेकआउट करो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी हम लोग आ चुके हैं कोबेलियन की तरफ, और कोबेलियन माना जाता है प्राइड का सिंबल, मतलब बोलते हो ऐसे कि उसको बहुत ज़्यादा प्राइड रहता है, ऐसे समथिंग समथिंग है। और ये चीज़ें आपको पोकेमॉन मूवीज़ में दिख जाएगी, जैसे वो 13 या 14 मूवी है कैल्डो वाली, उसके अंदर ये चीज़ें दिखाई देंगी।
मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है कि 15-16 या 14-13 ऐसे हो सकती है, लेकिन 13-14 मुझे लगता है कि सिनो में आते हैं, और 15-16-17-18 आगे के जितने मूवीज़ है वो यूनोवा में आते हैं। अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो थोड़े से काइंड ऑफ वो लोग पूरा रिस्किन करके अलग अलग टाइप के न्यू स्टाइल में मूवी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे 2-3 मूवीज़ एक्स्ट्रा भी निकले जो सीरीज़ से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखते, इवन ऐश से भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखते ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उसके अंदर जो ऐश है वो डिफरेंट दिखाई दिया है। तो मेन चीज़ वही है कि उनको भी एंजॉय करो, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, उसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, लेकिन आपको पोकी नॉलेज बनना है, पोकी वीडिया बनना है, तो ज़रूर आप चेकआउट करो। इसके साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, मतलब वहाँ पे मैं अलग अलग कंटेंट डालता रहता हूँ और वहाँ पे मैं बातें भी करता हूँ आपके साथ, जो भी कोई क्वेरीज रहेंगी उसके साथ हम लोग बातें करते हैं, मतलब मैं ही अकेला और कौन बात करेगा यार, तो मैं बातें करता रहता हूँ, और बस वहाँ पे ज़रूर फॉलो कर देना। और कुछ चैनल के अपडेट चाहिए रहेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर सकते हो अगर आपको अपडेट चाहिए रहेंगे तो। यहाँ पे कैसे है ना कि अभी हम लोग को नेक्स्ट पोकेमॉन कैप्चर करने के लिए पूरा स्नो आई सिटी घूम के आइसस्टॉर्म केव को घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड से वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा पास में है। यहाँ पे इधर तो हम लोग को मिला था हमारा प्यारा रेजी आइस, लेकिन यहाँ पे हम लोग घुस चुके हैं माउंट विंटर के अंदर, क्योंकि माउंट विंटर के अंदर हम लोग को एक और पोकेमॉन मिलने वाला है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अवेलेबल रहेगा क्यूरम, और क्यूरम के लिए मैं इससे पहले गया था स्नो वाइट सिटी के दूसरे साइड से, लेकिन वहाँ पे वो बंदा मिला नहीं। अगर आप माउंट ओरेन में जाते हो तो वहाँ पे माउंट ओरेन में जाते हो तो अभी भी आपको ऐसी ही चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं जैक्रोम और रेशीराम को पकड़ने के लिए। क्यूरम इसके नीचे फ्लोर पे भी हो सकता है, इधर ही हो सकता है माउंट विंटर के अंदर, या फिर किसी दूसरे माउंटर के अंदर भी हो सकता है। वैसे यार ये मास्टर बॉल की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ईजी हो चुकी है, तो अभी तक आपने मास्टर बॉल का चीट आपको पता नहीं है तो उसका भी वीडियो डाल के रखा है, वाश कंटेनर है भाई, चेकआउट करो डेफिनेटली। अभी हम लोग जाएंगे रेशीराम को कैप्चर करने के लिए, बहुत ही ईजी भी होने वाला है। डीएल का पलकिया का भी ऐसे ही था, मतलब दोनों भी साइड बाय साइड ही थे, उनको पकड़ने के लिए आपको पोर्टल के अंदर घुसना पड़ा था हम लोग को, तो डेफिनेटली वो भी ऑसम से आई स्टाइल के, मतलब स्टाइल के हिसाब से था, गेम स्टाइल के हिसाब से, और यहाँ पे भी गेम स्टाइल के हिसाब से बहुत ही ऑसम दिखाया गया है। और इसके साथ हम लोग ने कैप्चर कर लिया है द वन एंड ओनली रेशीराम को, और रेशीराम को पकड़ने के बाद, जैक्रोम को पकड़ने के बाद हम लोग जाएंगे अभी क्यूरम को कैप्चर करने के लिए। अभी इस केव से हम लोग अपना पीछा छुड़ाएंगे, जितना जल्दी यहाँ से बाहर निकल सकते हैं बाहर निकलेंगे। वैसे यार 2-3 लेजेंडरी ट्रेनर्स से उनके साथ भी हम लोग ने बैटल की थी, मतलब देखा जाए तो पोकेमॉन लाइट प्लेटिनम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एज कम्पेयर टू बाकी के हैक गेम्स। लेकिन हैक गेम्स अभी जर्नी तो शुरू हुई है, तो ज़रूर मैं चेकआउट करूँगा। इससे पहले भी 3-4 साल पहले, मतलब कंटिन्यूस मैं पोकेमॉन गेम्स खेलते आ रहा हूँ। मैं जब ऑलमोस्ट मेरे इंजीनियर के फर्स्ट ईयर में था, मतलब इंजीनियर बोल सकते इलेवेंथ बोल सकते हो, तो इलेवेंथ के मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैंने स्टार्ट किया था पोकेमॉन गेम्स खेलना, और उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली सारे रीजन्स के गेम खेले थे, लेकिन कभी यूट्यूब पे नहीं डाले थे। और उसके साथ साथ मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि बाकी के गेम्स भी एक्सप्लोर करूँ, तो ज़रूर चैनल पे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है। और आप अगर देखना चाहते हो कोई एक्स्ट्रा कंटेंट तो ज़रूर मतलब बता सकते हो मुझे, उस हिसाब से मैं गेम खेलूँ जाऊँ। और ये क्या था भाई, ये था क्यूरम। क्यूरम के लिए एक सीक्रेट वे है, मतलब मेरे को लगा कि मैं यहाँ से सीधा चल के जाऊँगा क्यूरम मिलेगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था यहाँ पे। मुझे लगा कि यहाँ पे गिरिटीना भी हो सकता है, लेकिन गिरिटीना तो हम लोग ने ऑलरेडी कैप्चर किया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा माइंडसेट अलग था मेरा। मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ से ऐसा रास्ता निकलेगा क्यूरम के लिए। मुझे लगा कि हम लोग ने जो स्टीम लीडर जो जीरो था वहाँ पे जहाँ पे बैटल की थी वहाँ पे क्यूरम मिलेगा, लेकिन लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे क्यूरम है तो यहाँ पे ही रहेगा। लेकिन ये पता नहीं था कि ऐसा क्यूरम था, क्योंकि पहले के बीटा में क्यूरम का लोकेशन बहुत ही अलग है, ऐसा वाला नहीं है, तो अभी थोड़ा सा अपडेट इन्होंने ज़रूर किया है। अभी हम लोग सुपर एपिल यूज़ करेंगे, और मुझे लगता है कि इसी के साथ हमारे यूनोवा के जो भी पोकेमॉन्स थे वो तो कंप्लीट हो जाएंगे। अभी कैल्डो का लोकेशन कहाँ पे है वो चीज़ चेकआउट करनी पड़ेगी, क्योंकि कैल्डो का लोकेशन मुझे नहीं पता है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग ट्रैवल करेंगे अल्फा आइलैंड की तरफ, और अल्फा आइलैंड की तरफ हम लोग को फाइनल पोकेमॉन मिलने वाला है, जो हमारी जर्नी का फाइनल पोकेमॉन रहेगा, और हम लोग यहाँ पे अलग से ही मज़ा लेते हुए पहुँच चुके अल्फा आइलैंड के तरफ। और छोटे छोटे आइलैंड्स है, छोटे छोटे सीन्स है, जिसके अंदर हम लोग ऑलमोस्ट इस गेम्स के अंदर जा सकते हैं। तो एक छोटी सी जर्नी, मतलब एक बड़ी वाली जर्नी एक छोटे से गेम पैक में आपको मिलती है, तो GBA के। अगर आपने अभी तक पोकेमॉन गेम्स चेकआउट नहीं किए तो डेफिनेटली चेकआउट कर लो गाइस, बहुत ही ऑसम से गेम्स है ये। और यहाँ पे हम लोग सर्फ यूज़ करेंगे, सर्फ यूज़ करके हम लोग अभी जाएंगे आइलैंड के अंदर, मतलब इस केव के अंदर, और यहाँ पे अल्फा आइलैंड के अंदर हम लोग को मिल जाएगा जो पोकेमॉन इस केव का ऑलमोस्ट
एवरीथिंग है, मतलब आपको पता चल ही जाएगा। और अगर आप हर रोज़ देखते हो मेरा चैनल तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो आपको पता रहेगा। तो यहाँ पे सुपर एपल यूज़ करेंगे, 7 ही सुपर एपल बचे पड़े हैं, उसके बाद सारी चीज़ें एंड हो जाएंगी, और मतलब एंड नहीं हो जाएंगी, चैंपियनशिप बाकी है। मैं भी क्या बड़बड़ा रहा हूँ यार। और यहाँ पे सीधा रास्ता चलते हुए, जो सीधा नहीं है बिल्कुल भी, और हम लोग यहाँ पे स्टेयर्स पे स्टेयर्स चढ़ते हुए पैर दुखने लगेंगे, और हम लोग इस केव के अंदर घुस चुके हैं, एक और केव से बाहर आते हुए, और हम लोग फिर से स्टेयर्स चढ़ेंगे। भाई तू पोकेमोन है कि माँ कसम, क्या है ये, स्टेयर्स चढ़ेंगे, ऊपर स्टेयर्स स्टेयर्स और ऊपर और स्टेयर्स और स्टेयर्स, हम लोग पहुँच चुके हैं द वन एंड ओनली पोकेमोन गॉड आर्शियस के पास, और आर्शियस को हम लोग कैप्चर करेंगे विद मास्टर बॉल। और बेचारा सोच भी नहीं सकता कि हम लोग उसको मास्टर बॉल से कैप्चर करेंगे, बेचारा सोच रहा रहेगा आया तो ये ट्राई करेगा चला जाएगा घर पे, लेकिन वैसी वाली नहीं है बात। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे लेजेंडरीज को कैप्चर कर लिया है इस पोकेमोन गेम के। तो आपको कैसी लगी ये ऑसम सी जर्नी हमारी ऑफ लेजेंडरी हंटिंग? और इसके बाद हम लोग सेव करेंगे गेम को और जाएंगे हमारे नेक्स्ट चैंपियनशिप की तरफ। तो अभी तक गेम का वॉक थ्रू खत्म नहीं हुआ गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में आपको बिल्कुल मिलूंगा मैं, और हम लोग जाएंगे पोकेमोन लेट प्लेटिनियम के वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ, जहाँ पे हम लोग बैटल कर सकते हैं द वन एंड ओनली लेजेंडरी ट्रेनर्स के साथ। तो आज का एपिसोड आपको कैसे लगा मुझे लाइक बटन प्रेस करके बता सकते हो। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर सजेस्ट कर सकते हो, और अगर आप मुझे मतलब मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन प्रेस करके सपोर्ट कर सकते हो, और ऐसे ही ऑसम सा कंटेंट आते जाएगा, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑसम से पोकेमोन लाइट प्लेटिनम के एपिसोड की तरफ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।